हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए जो कि इंडियन आर्मी के पेपर में जीएस के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। आज की क्लास जो कि जीडी ट्रेडमैन टेक्निकल एनएएसकेटी यानी इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले प्रत्येक युवा के लिए शानदार होने वाली है। तो सभी विद्यार्थियों को ये 25 प्रश्नों का टेस्ट ईमानदारी से लगाना है और अंत में सभी विद्यार्थियों को कॉमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। आज के जो ये 25 प्रश्नों की क्लास रहने वाले, इसमें आप सभी विद्यार्थियों को 22+ का टारगेट लेकर चलना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसको अचीव कर पाते हैं। चलिए बिना देर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने आ चुका है, ओम के नियम से कौन से समीकरण संबंधित है। तो ओम का नियम आपको बताऊंगा, V बराबर IR होता है, यानी वोल्टेज होता है वो विद्युत धारा, और आपको बताया प्रतिरोध का गुणनफल के बराबर होता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा, R बराबर रो एलबेटे होता है। R बराबर आपको बताऊंगा रो एलबेटे ए होता है, यानी हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती तथा जो फर्स्ट काट क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। और रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध या कहे प्रतिरोधकता होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। दो नंबर आपके सामने आ चुका है, क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी। टीबी आपको पता है कौन सा रोग है, वायरस जनित है, बैक्टीरिया जनित है, या आपको इस तरह से आपको बताना है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बैक्टीरिया जनित, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और एक क्वेश्चन बनता है, टीबी होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि तीन नंबर आपके सामने आ चुका है, किसी वस्तु के वेग का सूत्र क्या है। तो आप देखोगे तो दूरी बटे समय, आप वैसे देखोगे तो यहां वेग की जगह कर लो चाल, क्योंकि वेग का तो विस्थापन बटे आपको पता है समय होता है। लेकिन ये इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप कई बार आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। यदि आपको विस्थापन बटे समय मिलेगा तो वेग का सूत्र तो वही होता है। कई बार आपको होता है चाल की जगह वेग नाम लिख देता है, तो उस तरह देखिए तो आपका बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे दूरी बटा समय, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चाल या हम बात कर लेते हैं गति की बात करें तब हम दूरी बटा समय करते हैं, और वेग की बात करें ध्यान रखिएगा वेग एक सदिश राशि होती है, चाल अदिश राशि होती है। तो वेग होता है विस्थापन बटा समय, यह आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि चार नंबर आपके सामने आ चुके हैं। भारी जल सामान्यतः बनता है, भारी जल आपको पता होगा D2 होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है। तो आपको पता होगा जो भारी हाइड्रोजन होता है उससे बनता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे ना, भारी हाइड्रोजन, बिल्कुल का उत्तर सी। अब कई सारे विद्यार्थी इसको गलत कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं समुद्री जल, क्या कर देते हैं समुद्री जल कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा समुद्री जल की बात करें, कठोर जल की बात करें तब समुद्री जल करना है। कई सारे विद्यार्थी यहां कंफ्यूज रहते हैं, भारी जल तो भारी हाइड्रोजन से निर्मित होता है, जबकि हम बात कर लेते हैं समुद्री पानी की बात करें तो इससे कठोर पानी प्राप्त होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और वर्षा का पानी होता है वो सबसे शुद्ध जल माना जाता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। पांच नंबर आपके सामने आ चुका है, जब कोई गाड़ी चलती है तो वह छोड़ती है। अब यहां से क्वेश्चन बहुत शानदार बनने वाला है। गाड़ी चलती है तो आपको पता है सामान्यतः बात करें तो सामान्यतः गाड़ी कौन सी गैस छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, ये बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी है। ईंधन का जब हम बात कर लेते हैं प्रयुक्त दहन होता है, यानी हम बात कर लेते हैं पूरा ईंधन दहन होता है तब तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, यानी CO2 छोड़ती है। यानी पूर्ण दहन होता है तब तो CO2 छोड़ती है, और अर्ध दहन होता है यानी पूरा दहन नहीं होता है तब आपको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। हालांकि दोनों ऑप्शन में आपको बहुत कम मिलते हैं। यदि मैं बात करूं डायरेक्ट आपको कहे तो कार्बन डाइऑक्साइड कर सकते हैं, और यदि पूर्ण दहन नहीं होता है अर्ध पूरी दहन होता है तब कौन सी गैस छोड़ती है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है। जैसे आपने देखा होगा धुआं ज्यादा विषैला होता है क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो इस तरह से ये दोनों ही क्वेश्चन में से देखें तो दोनों ही ऑप्शन सही है। और यदि वैसे बात करें जैसे जो पुरानी गाड़ियां होती है जिनका इंजन काम मांगा होता है वो आपको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है, क्योंकि वो जो जिसे हम कहते हैं खटारा, मतलब उसकी तरह से हम कहते हैं जो पुरानी गाड़ियां होती है ज्यादातर कौन सी गैस छोड़ती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ सकती है। ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। और सामान्य तवान की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में दोनों ऑप्शन बहुत ही कम देते हैं, फिर भी देते हैं तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, या तो अगला लिखेगा पुरानी गाड़ियां या लिखेगा जिनके इंजन खराब है, इस तरह से लिखेगा तब आपको कार्बन मोनोऑक्साइड करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। छह नंबर आपके इनके सामने आ चुका है, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग है तो प्राथमिक रंग आपको पता है तीन प्रकार के होते हैं, तीनों रंगों को मिलाकर आपको पता है कोई भी रंग बनाया जा सकता है, इसी कारण इनको क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं। जल्दी से बताइएगा, लाल नीला और हरा, बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, ये बता रहे लाल नीला और हरा, इन रंगों को मिलाकर कोई भी रंग बनाया जा सकता है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगले क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटक रासायनिक क्रिया को बढ़ा देता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या के रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन कर देता है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की गाढ़ता है, बिल्कुल सही है, यह भी निर्भर करता है अभिक्रिया के वेग पर। और बात कर लेते हैं अनुघटक की उपस्थिति, अनुघटक का मतलब होता है उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक क्या होता है सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार प्रश्न आ चुका है उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है बल्कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, यानी स्वयं तो भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, उत्प्रेरक बढ़ा देता है, यह सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपर में आया। और तापमान पे भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना उपरोक्त सभी बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है, सोडियम एक है, सोडियम का पहले बात तो प्रतीक आपको पता होना चाहिए Na होता है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na होता है, कई बार पेपर में आ चुका है। सोडियम आपको बताऊंगा एक धातु होती है, सोडियम एक क्या होती है धातु होती है जो आपको पता है ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है, यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना धातु, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, सिलिकॉन की बात करें, जर्मेनियम की बात करें, तब आपको करना पड़ता है उपधातु जो अर्धचालक के रूप में काम में लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रखा है, कई बार पेपरों में आ चुका है। तो क्लोरोफॉर्म के सूत्र की बात करें तो CHCl3 होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। और एक होता है लाल दवा का फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें या कहे लाल दवा का फॉर्मूला क्या होता है, तब आपको करना पड़ता है KMnO4, ये भी कई बार पेपरों में आ चुका है, KMnO4 होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देने की कोशिश करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। इनमें से कौन सा मिश्रण है, आपको बताना है इनमें मिश्रण कौन सा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। कई सारे विद्यार्थी इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बताऊंगा वर्षा का जल, वर्षा का पानी, वैसे बात करें H2O, जल की बात करें, सामान्य जल की बात करें H2O जिसके अंदर कुछ भी घुला नहीं हो तो वो क्या होता है यौगिक होता है, वो क्या होता है यौगिक होता है, जल सामान्यतः क्या होता है यौगिक होता है। अब अगले ने लिखा ऑप्शन आप देखोगे तो बिल्कुल कौन सा जो ऑप्शन और बी बता रहे ना समुद्री पानी, क्योंकि समुद्री पानी में आपको पता है जल के अंदर क्या घुला होता है नमक घुला होता है, जल के अंदर क्या घुला होता है नमक घुला होता है, इसका मतलब क्या होगा नमक उसके अंदर मिश्रित रहता है, इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे समुद्र का पानी बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और साधारण जल की बात करें जल आपको पता होना चाहिए यौगिक होता है, हवा आपको पता है मिश्रण होता है, इस तरह के कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाया जाता है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो बिल्कुल हाइड्रोजन अवबंध की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं H बिल्कुल उनका उत्तर सही है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार आ चुका है। और हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा जाता है, कई बार पेपर में आ चुका है हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है तो अवारा तत्व कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं यहां से बनता है, आपको बताऊंगा कोई भी हाइड्रोजन होता है वो FON, नोट कीजिएगा सभी विद्यार्थी, हाइड्रोजन बंद उनमें पाया जाता है जो FON से हाइड्रोजन जुड़े हो, FON का मतलब फ्लोरीन से हो या ऑक्सीजन से हो या नाइट्रोजन से हो, तो उनमें क्या पाया जाता है हाइड्रोजन अवबंध पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा H2O जल में भी क्या पाया जाता है हाइड्रोजन अवबंध पाया जाता है। और जल की आकृति कैसी होती है, वी आकार की होती है, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, जल में भी हाइड्रोजन अवबंध पाया जाता है। और जबकि हम बात कर लेते हैं H2S में हाइड्रोजन अवबंध नहीं पाया जाता है, क्यों नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें इन फोन में से कोई तत्व नहीं है, FON तीनों में से कोई तत्व नहीं प्रयुक्त हो रहा है, इसका मतलब इसी कारण H2S क्या होता है गैस होता है जबकि पानी क्या होता है द्रव होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अवबंध नहीं पाया जाता है H2S में, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि पानी होता है यानी H2 होता है वो जल होता है जबकि H2S गैस होता है, कारण क्या है तो इसका हाइड्रोजन अवबंध वाला कारण हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसा दिखाई देगा, यानी हरा बल्ब जल रहा है उसके ऊपर लाल रिबन हम बांध देते हैं तो वो प्रकाश कैसा दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा काली, बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। आपको कई बार क्वेश्चन लेता है लाल और हम बात कर लेते हैं जो क्या होता है हरा रंग होता है, लाल रिबन हरे रंग के साथ या कहे हरा और लाल रंग मिलकर क्या बनाते हैं तो काला रंग बनाते हैं, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है, डेंटाइट ट्रस्ट क्या है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रखा है, कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं। द्रुमिका का मतलब आपने देखा होगा तंत्रिका कोशिका, द्रुमिका की बात कर लेते हैं तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका का मतलब क्या हो गया, न्यूरोन हो गया। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, न्यूरोन बिल्कुल का उत्तर सी। कई बार पेपरों में आ चुका है कि द्रुमिका किसमें पाए जाते हैं, तो द्रुमिका पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिका या कई न्यूरोन, तो ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना, कई बार पेपरों में पूछा गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन की बात कर लेते हैं, लगभग आपने देखा होगा 1350, लगभग हम बात कर लेते हैं 1350 ग्राम होता है, और कई जगह आपको पता है 1300 से लेके 1500 तक लिखा आता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। बाकी लगभग बात करें तो 1350 ग्राम होता है, एक्यूरेट की बात करें ज्यादातर यही आपको ऑप्शन में मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है, कंपास की सुई सदैव किस दिशा में रहती है? कंपास एक तरह का क्या होता है, चुंबक होता है, कंपास एक तरह का क्या होता है, चुंबक होता है, और उसकी जो सुई होती है वो आपको होता है हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 16 नंबर आपके सामने आ चुका है, ताप का सर्वाधिक सूचालक कौन सा होता है? ताप का सर्वाधिक सूचालक की बात करें तो ऑप्शन आप देखोगे तो बिल्कुल जो ऑप्शन भी बता रहे, चांदी। चांदी आपको बताए, चांदी एक ऐसी धातु है जो सर्वाधिक क्या होती है, विद्युत की सूचालक होती है, यह सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। और सर्वाधिक तन्य धातु की बात करें तो वो होता है सोना, सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने लेते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्या दे रखा है, तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किसका है, ये नियम किसका है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो तरल आपको पता होगा कोई भी हम बात कर लेते हैं वस्तु के अंदर भरा होता है तो वह सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह नियम दिया था पास्कल ने। किसने दिया था, पास्कल ने दिया था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। आर्किमिडीज का मतलब नियम क्या है, इसका नियम है कि उत्प्लावकता का बल किसने दिया था, उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। इसके अनुसार वस्तु कब तैरती है और कब डूबती है के संबंधित है, यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 18 नंबर आपके सामने आ चुका है, सोडा वाटर या कहे सोडा बनाने में आपको पता होगा किस गैस का उपयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आपने देखा होगा शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 19 नंबर आपके सामने आ चुका है, तंबाकू में क्या दे रखा है, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला जो बात कर लेते हैं पदार्थ कौन सा होता है? तो तंबाकू में आपको बताओगा निकोटीन पाया जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। कैफीन की बात कर लेते हैं तो चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, और कॉफी उत्पादन में प्रथम देश की बात करें तो वो आपको बताओगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार इंडियन आर्मी के जीके के पार्ट में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 20 नंबर आपके सामने आ चुका है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और फारेनहाइट में बात करें तो लगभग 98 कुछ होता है, यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 21 नंबर आपके सामने आ चुका है, नोबेल गैस की खोज किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। नोबेल गैस का मतलब होता है क्रिया गैस कह दो या उत्कृष्ट गैस कह दो, या जो क्रिया नहीं करने वाली गैस होती है, जैसे आपको बताऊंगा हीलियम, नियोन, आर्गन, यानी अक्रिय गैसों की खोज के बारे में बात करें तो ऑप्शन आप देखोगे तो इनमें से तो कोई है नहीं। तो बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। और मैंने आपको कई बार बता भी रखा है अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो ये आज सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क रहेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते, यानी अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 22 नंबर आपके सामने आ चुका है, यदि हीरा को जलते हुए चारकोल में डाल दिया जाए, यदि हीरा को जलते हुए चारकोल में डाल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? हीरा को जलते हुए चारकोल में डाल दिया जाए तो आपको पता होगा हीरा का क्या होता है, एक तो हम बात कर लेते हैं कलर थोड़ा सा क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, या कहें चमक परिवर्तित हो जाती है। यदि यहाँ ऑप्शन आप देखोगे तो नया हीरा, ये तो कोई मतलब नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हीरा पिघलता है,
विराट जल्दी से तो पिघलने वाला नहीं है, परिवर्तन नहीं, परिवर्तन तो होगा। तो इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा आप देखोगे तो ऑप्शन हीरा पिघलता है, चारकोल में डालेंगे तो जल्दी से तो हीरा नहीं पिघलेगा, फिर भी उसके तापमान पर निर्भर करता है कितने। इसमें यदि ऑप्शन देखो तो बी कर सकते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होगा या आप कर सकते हो, क्योंकि हीरा में आपको पता है कार्बन तो पाया जाता है और यदि दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ये हो सकता है। बाकी आप भी कॉमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऑप्शन ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ऑप्शन के अनुसार भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ आपको पता है नया हीरे का तो कोई मतलब नहीं है, हीरा पिघलता है, जल्दी से हीरा नहीं पिघलेगा क्योंकि चारकोल के अंदर इतना तापमान नहीं होता कि वो हीरा पिघला देगा। हीरा वो आपको पता है बहुत ही मतलब मुश्किल से पिघलाया जाता है, बहुत ही ज्यादा तापमान पर पिघलाया जाता है, और आपको पता होगा परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा सा परिवर्तन तो होगा। इसका मतलब ऑप्शन के अनुसार आप बी कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन में ज्यादातर ये मिलता है कि हीरे की जो चमक होती है वो थोड़ी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सा ईंधन के लिए उपयोग में होता है, ईंधन के रूप में आपको बताऊंगा। ऑप्शन देखोगे तो आप कई सारे विद्यार्थी यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या दे रखा है। तो आपको बताऊंगा एक तो मेथेन गैस यूज होती है, जो कि आपको बताऊंगा सामान्यतः यदि मैं बात करूं तो एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं उसमें पाई जाती है, और ब्यूटेन भी उसमें होती है। तो ब्यूटेन कौन सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे हैं ब्यूटेन। और आपको बताऊंगा सिगरेट लाइटर होता है उसमें भी आपको बताया ब्यूटेन का यूज किया जाता है, ये कई बार पेपरों में आ चुका है। तो सूत्र याद रखिएगा ब्यूटेन का होता है C4H10। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻²⁸ ग्राम, या कहे 10⁻³ लिखा हो तब आपका किस में होना चाहिए, 31 लिखा हो जब केजी में होना चाहिए, ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। 10⁻³ दिखिए तब आपका केजी में होना चाहिए, यह सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में शीतलक या कहे मंदक के रूप में किन का उपयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में आपको बताया हेवी वाटर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनका उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, हेवी वाटर बिल्कुल का उत्तर सी है। ये थी दोस्तों आज की क्लास, जल्दी से सभी विद्यार्थी कॉमेंट करके बताएगा इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि आपके मैंने आपको टारगेट शायद तक 22+ का दिया था, तो जिन भी विद्यार्थियों के 25 में से 22+ आए बहुत ही शानदार उनकी तैयारी थी, और ज्यादा शानदार करने के लिए रेगुलर हमारे साथ जुड़िएगा। और कल हो सकेगा तो कल मैं आपके लिए गणित की जो 50 क्वेश्चनों की मैराथन क्लास होने वाली है, तो कल लाइव आना मत भूलिएगा। और जो भी विद्यार्थी घर बैठे अपना नोट्स पढ़ना चाहते हैं, हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट ईबुक लेना चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ले सकते हैं, काफी सारे विद्यार्थियों ने ले भी रखा है। तो अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिएगा और ईमानदारी से अपना अध्ययन रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम मिल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप घर पर बैठ जाए और तैयारी नहीं कर। सभी विद्यार्थियों को अपनी ईमानदारी से तैयारी बरकरार रखनी है, नहीं तो फिर जो आता है वही भूल जाओगे। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं, सेशन कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।